दोस्तों, क्या आपको पता है अमेजोन पे बिल इसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। ना आपको कोई गोल्ड ट्रांसफर करना है, ना आपको कोई ऐप के थ्रू से ट्रांसफर करना है, अमेजोन के थ्रू से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आज कोई ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, इसको कंप्लीटली देखना, कुछ भी मिस मत करना। तो दोस्तों क्या है कि अमेजोन पे बैलेंस जिसमें बैलेंस दिख रहा है 10 रुपीज, जब आप इसको पेमेंट करते हो, कोई भी आप स्कैन क्यूआर कोड करते हो, तो जिसमें एक स्कैन क्यूआर कोड ले लेता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्कैन क्यूआर कोड है। तो दोस्तों जैसे मैंने एक बार कोड स्कैन कर दिया है, तो बार कोड स्कैन करने के बाद जैसे ये एंटर हो गया, तो इसमें जैसे मैं डालता हूँ 10 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा जो मेरा बैंक लिंक है इसके साथ, वो दिखाएगा UPI का ऑप्शन, पेटीएम पर। आपको ये पेमेंट करने का अमेजोन पे का ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सो मोर वे टू पे। तो दोस्तों इसमें आपको जैसे सो मोर पे क्लिक करोगे, आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे नीचे की तरफ, जिसमें अमेजोन पे बैलेंस भी दिखाएगा। तो इसको आपको अनेबल करना है, ये अभी अनेबल नहीं है। तो इसको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें दो सिम पूछी जाएगी, आपकी कौन सी सिम है इस मोबाइल, अगर आप 2 सिम है तो Airtel 1 है, Airtel 2 या Vodafone है जो भी। इसके थ्रू से आप मैक्सिमम 5000 रुपीज तक ट्रांसफर कर सकते हो फर्स्ट स्कैन में, 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा, बाकी अनलिमिटेड कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो इसमें क्या करना है आपको, इस पर जो आपकी सिम रजिस्टर्ड है वो आपको इस पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, उसको वेरीफाई करना है। फाइंग योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ जाएगा, इसको कंटिन्यू कर देना। ये आपका SMS जाएगा, हो सकता है एक दो बार एरर आए, लेकिन हो जाएगा आपको वेरीफाई। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, और कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपको अमेजोन पे बैलेंस वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हमारे अमेजोन पे बैलेंस में काफी कम रुपीज है, तो अभी इसमें हम लोग कुछ रुपीज अमाउंट कर देंगे। मुझे इसमें एक ऑफर मिली हुई है कि आप अगर 1500 रुपए तक इस अमेजोन पे बैलेंस में एड करते हो तो आपको 50 रुपए का जो कैशबैक मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें क्लिक करूंगा और इसमें मैं 1500 रुपीज एड करूंगा। ये अपना जो पेटीएम बैंक जो मेरा लिंक है उससे कर सकते हो, या आप कोई दूसरे मेथड से पेमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। लेकिन इसमें याद रखना, आप डेबिट कार्ड और वगैरह यूज़ कर सकते हो या UPI यूज़ कर सकते हो, दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैं अभी अपना पेटीएम बैंक से ही कर देता हूं, आप चाहो तो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे 1500 रुपीज एड हो गए हैं पे बैलेंस में। देखिए अमेजोन पे बैलेंस जो मेरा 1509 रुपये दिखा रहा है, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी QR कोड होना चाहिए। आप मर्चेंट अगर कोड है तो ठीक है, मर्चेंट नहीं तो नॉन मर्चेंट वाला कोड भी चलेगा। तो कोई भी कोड ले लीजिए, तो फोन पे वाला ले लेते हैं। जैसे मैंने फोन पे वाला लिया, ये इसमें यहाँ पे जाना है व्यू योर QR कोड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको QR कोड मिल जाएगा। तो इस QR कोड का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो गाइस अभी हमने QR कोड का जो है अपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लिया। तो अभी हम स्कैन एनी मोबाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यहाँ पे कोई भी QR कोड रख के आप स्कैन कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने स्कैन अपने गैलरी में सेव किया, तो मैं स्कैन फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो जो मेरा QR कोड सेव है उसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो QR कोड स्कैन हुआ है यहाँ पे दिखा देगा, और अब हम अपना अमाउंट एंटर करेंगे। तो अभी 1500 रुपीज में ट्रांसफर कर रहा हूँ वापस बैंक अकाउंट में। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए दोनों ऑप्शन दिखा रहा है, पेटीएम बैंक भी दिखा रहा है और अमेजोन पे बैलेंस भी दिखा रहा है, जिसको हमने वेरीफाई कर दिया था। तो अभी मेरे बैलेंस में जो आपको 1509 रुपीज दिखा रहा था, वो 1500 रुपीज यहाँ से अभी हमारा डिडक्ट होगा और ये चला जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो इसको हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए गाइस, अभी ये मेरे अकाउंट है में से ट्रांसफर होकर फोन पे के अकाउंट के अंदर से होता है बैंक अकाउंट के अंदर चला गया। तो गाइस ये देखिए अमेजोन पे बैलेंस में मेरे सिर्फ 9 रुपीज ही बचा है और 1500 रुपीज डिडक्ट हो गया, और ये अभी हमारे बैंक अकाउंट में चला गया। मैं भी आपको फोन पे का अकाउंट भी खोल के दिखा देता हूँ। तो गाइस ये अपना मैं फोन पे के अकाउंट में आ गया हूँ। अभी हम लोग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री जैसे क्लिक करेंगे आप ये देखिए रिसीव्ड फ्रॉम अजुल कुमार सेले 1500 रुपीज, ये जो मुझे क्रेडिट हुआ 1500 रुपीज या अमेजोन पे से इसमें क्रेडिट हुआ मेरे बैंक अकाउंट में, जो ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बिना कुछ पैसा स्पेंड किया, और साथ मुझे इसमें 50 रुपए एज ए कैशबैक मिल गया, तो 50 रुपए का फायदा भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अमेजोन पे बैलेंस का पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई गोल्ड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, ना कोई इसमें कोई ऐप में ट्रांसफर करने की जरूरत है, बहुत ही आसान मेथड है। तो आप इसमें इजी से कर सकते हैं। बस आपको ये है कि आपको अपना ऐप अपडेट कर लेना है और इसको वेरीफाई कर लेना है आपको फोन नंबर के साथ। इसमें वही फोन नंबर करेगा जो सिम कार्ड इससे अटैच है इसमें अकाउंट में, तो वही सिम कार्ड आपको एंटर करनी है, वही सिम कार्ड से लिंक करना है, नहीं तो दूसरी सिम कार्ड करोगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमने दी, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आगे भी हम आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।